ठीक है भाई वहां से समुद्र दिख जाता है पूरा हाँ बिल्कुल ठीक है ये भाई कबड़ के नाम पे हमारा जाता है है बस कोटा में जितना को रूम होता है सॉर्ट ऑफ उतना ही है प्लस कॉमन बाथरूम एंड ऑल है जो प्राइवेट मतलब अटैच नहीं है अरे तुरे कॉमन बाथरूम के पीछे एक स्टोरी बताई थी ना कि हम हम जब पहले पहले आए थे तो हमने सोचा इतने से बाथरूम में क्या ही होगा मतलब तो ऐसा था हम लोग जब स्टार्टिंग में गए तो एक फ्लोर पे हम सेवेंटी टू रह रहे थे और हमारे पास टोटल आठ बाथरूम थे एंड स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था भाई आठ ही बाथरूम है सत्तर लोग है सुबह क्लास रहने कैसे जाएंगे तो ठीक है स्टार्टिंग में तो सब झगड़े करते थे भाई कि हाँ मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा पहले जल्दी उठ के नहाना पड़ता था फिर एक महीने बाद जब चाहिए तब जब भी जो बाथरूम चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें क्योंकि फिर फिर काली, कर फिर काली पड़ा रहता था वो फिर एकदम तुम एडेप कर लेते हाँ यार नहाना वहाना सब मुँह में घुमा लेंगे आराम गुजराती लोग आके आई आई टी में चेंज हो जाते हैं भाई हेलो एवरीवन दिस शोभित आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बारे में भैया ये आईआईटी क्या 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 होती 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 है ट्रिपल आई क्या होती है है एनआईटी ट्रिपल इसमें एडमिशन कैसे होता है कब से इसके लिए पढ़ना होता है कितना इसके लिए पढ़ना होता है क्या क्या सिलेबस होता है कौन सी कोचिंग लेनी होती है कितने घंटे हमें पढ़ना होता है क्या इसकी कट ऑफ होती है कैसे इसमें एडमिशन होता है ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लाइन पे मेरे साथ बने रहेंगे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जील पटेल ये यार मेरे साथ जील कोटा में भी था और बिल्कुल इनफैक्ट मेरे सामने वाला रूम था इस समय आई आई में है कोटा के लाइफ में जब मैं थे हम दो साल तो मैंने बहुत कुछ चीजें इससे सीखी थी अब भी इनफैक्ट जब भी मेरी बात होती है तो मैं बहुत सारी चीजें इससे सीखने की कोशिश करता हूं ये मेरे को आईआईटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है ये रैंडम कोई भी यार बोरिंग से पॉडकास्ट नहीं होने वाली है पॉडकास्ट होती है एक डेढ़ घंटे की जिसमें बोर होते हैं सब यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट जो भी रियलिटी है वो इस बंदे से पूछी है उसकी मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स बताऊंगा साथ साथ में यहां पे डिटेल में मैं डिस्कस भी करूंगा जो जो उसने बताया एक्सप्लेन करता रहूंगा तो सीट बेल्ट बांध लो है ना कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से इस चीज को सुनते रहो शुरुआत करते हैं कुछ बच्चे हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं करी है और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग करें तो तूने क्या सोच के स्ट्रीम सेलेक्ट करी थी कि मेरे को साइंस लेनी है या फिर इंजीनियरिंग में जाना है दिमाग में तो कुछ नहीं था बस एक जनरल फिलोसॉफी थी अच्छे नंबर आते हैं तो साइंस लेना चाहिए तो तो और इंजीनियरिंग ऐसे थी इंजीनियरिंग करेंगे इंजीनियर बड़े बनेंगे तो अच्छी लड़की वो मिल जाएगी थी नहीं बस यही एक्सपेक्टेशन लेके आए थे बट तो तुझे भी पता है तो दिल ने यह बताया की भाई उसका बहुत पहले से ही मन था इंजीनियरिंग का और साइंस लेने का इसलिए उसने साइंस को परस्यू करा काफी बच्चे होते हैं यार मेरे भी कांटेक्ट में काफी बच्चे थे जो कि बहुत पहले से ही सेवंथ एट सिक्स से ही दिमाग में रखते हैं कि भाई मेरे को तो इंजीनियर बनना है मेरे को तो डॉक्टर बनना है बट जो बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी भी डिलेमा वाले सिचुएशन में है मैं आपको थोड़ी सी आगे की जर्नी बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो तो सबसे बेसिक चीज है कि आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेनी होगी नॉन मेडिकल स्ट्रीम मतलब आप लोगे फिजिक्स आप लोग केमिस्ट्री आप लोगे मैथ्स पिछले तीन सालों से चार सालों से मैं हर एक बच्चे को एक चीज जरूर बोलता आ रहा हूं कि कभी भी इसके साथ में ना एक और चीज मत एड कर लेना कर लिए कोई बात नहीं अब चेंज हो सकता है कर लेना बट बहुत डिफिकल्ट रहती है जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भैया पीसीएम भी ले लो ऐसा मत करना मेन होते हैं पीसीएम अगर आपको इंजीनियरिंग में आगे जाना है तो, तो आप फिजिक्स फिजिक्स का मैं छोटा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ भाई हमने बचपन में जो फिजिक्स पढ़ी है दसवीं तक वो ये थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डाल दी और ये डाल दी वो डाल दिया ऐसा अब नहीं होने वाला है फिजिक्स में बहुत सारी यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होगी पहली बात कैलकुलेशन बहुत सारी होने वाली है यहाँ पे है ना छोटा सा ओवरव्यू दूम मैं कि भाई हम फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे और हम बहुत बड़े बड़े जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो ना स्प्रिंग देखते हो आप स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे होंगे फ्रिक्शन हो गया स्प्रिंग फोर्स हो गया एक भाई एक के ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है वो प्लैंक चल रहा है है ना भाई रोल हो रही है चीजें यह सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे गाड़ी भाग रही है कितनी स्पीड से भाग रही होगी दूसरे से कितने स्पीड से टकराएगी कब उसको ओवरकम करे ओवरटेक करेगी ये टाइम हमें निकालना है रेन किस तरह से हमारे ऊपर आ रही है ये बात हमें करनी है तो ये एंगल वगैरह ये सारे मैथमेटिक्स ज्यादा यूज हो रही होगी और साथ में मजा बहुत आ रहा होगा तो फिजिक्स हो गई आपकी बेसिकली मैंने ये बता दिया ऊपर ऊपर से आप एक दो चैप्टर शुरू के पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है अगर आपने अभी स्ट्रीम नहीं चूज करिए तो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हो एक दो चैप्टर पढ़ के आपको पता चल जाएगा अच्छा फिजिक्स ये चीज़ की है दूसरी बात अगर हम करें केमिस्ट्री की केमिस्ट्री तीन भाग में बढ़ जाती है आपकी जब आप इलेवंथ में आ जाते हो एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है इसमें कैलकुलेशंस होती है इसमें आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है आपकी इसमें रिएक्शन होती है आपको रिएक्शंस याद करनी होती है बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं अपने दसवीं तक तो शायद पचास साठ पड़ी होंगी अब हम हर एक पेज में पचास साठ पढ़ रहे होंगे इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक और, और इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इसमें ये डाल दिया तो क्या निकलेगा ये सारी चीजें होती हैं बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पर यहां पे हम और एडवांस लेवल की चीज पढ़ रहे होंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी ट्वेल्थ क्लास में बहुत काम आ रही होगी मैं बिल्कुल एक बच्चे को अगर मेरे से बच्चा पूछता भैया मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए मैं उसको सिंपल ये बोलता हूं दसवीं में अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगी थी तो आप जाके मैथ्स परस्यू कर सकते हो आप नॉन मेडिकल जाके ले सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा हाथ आपका आ रहा होता है आगे वाली क्लासेज में ये हो गया पहला क्वेश्चन तो मान लो अभी एक बच्चा इलेवेंथ में आया है उसने सोच लिया मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो और मान लो उसको आई में जाना है तो आई में जाने के लिए कौन सा एग्जाम है जिसको उसको टारगेट करके चलना पड़ेगा फिर इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली तो काफी स्टेट एग्जाम्स भी होती है नेशनल लेवल भी होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अलग अलग होती है बट एक कॉमन एग्जाम होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं सो प्राइवेट गवर्नमेंट आई आई टी एन आई टीम आई टी सब में जाने के लिए जेई प्राइमरी रिक्वायरमेंट ठीक है जेई देना पड़ता है ना तो मेन तो यही है तो मेन होता है आपका एग्जाम जिसे हम जेई कहते हैं

दो भाग में होता है जेई का एग्ज़ाम एक होता है जेई मेंस जिसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं फिर जब जेई मेंस से बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद वो जेई एडवांस देते हैं जेई मेंस से आपकी एन वगैरह मिलती हैं जेई एडवांस से आपको आई वगैरह मिलती हैं ये हम आगे अब डिस्कस करते हैं तो जो जेई का एग्ज़ाम है एक बताया तूने जेई मेन्स और जेई एडवांस तो इसकी क्या हिरारकी है मतलब मेन्स कब होगा एडवांस कब होगा और मेन्स से कौन से कौन से कॉलेज मिल जाएंगे एडवांस से कौन सा कॉलेज मिलेगा कितनी सीट्स होती है ये थोड़ा सा हिरारकी एक्सप्लेन कर दें ठीक है तो यार दो एग्जाम से जैसे मेंस और एडवांस पहले मेंस की बात करते हैं तो मेंस से जनरली तेरे एन आई ट्रि ट्रिपल आई और बाकी प्राइवेट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेजेस है उन सब में, में एडमिशन हो जाता है हुँ. और एडवांस जे फिर मेंस क्लियर करना पड़ता है जैसे दस बारह लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं मेन्स में तो उसमें से करीब दो ढाई लाख बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं ठीक है

मैं आपको ना शुगर कोट नहीं करना चाहता यार बहुत आसान ए बहुत आसान एनआईटी निकल जाती है मजे मजे में ऐसा कुछ नहीं है आपको रियलिटी पता होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि यार इस, इस, पे, इस इस तरीके से इस इस रस्ते पे कदम करना है तब हम आगे बढ़ेंगे तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना ध्यान से सुनते रहना हर साल 10 से 12 लाख बच्चे जेई मेंस के एग्जाम के लिए बैठते हैं जेई मेंस का एग्जाम कब होता है जेई मेन्स का एग्जाम होता है आपका जनवरी में और होता है आपका अप्रैल में दो अटेम्प्ट आपके जयस के दिए जाते हैं इन दोनों में से जो आपका बेस्ट स्कोर होता है उसके हिसाब से आपकी रैंक निकली जाती है समझ में आ रही बात? एक होता है अप्रैल में अच्छे नंबर आए तो वाले माने जाएंगे जनवरी को हटा दिया जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो दस से बारह लाख बच्चे जई मेन्स के लिए बैठे जई मेन्स में दो से लेके ढाई लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं जई एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई जनवरी अप्रैल में आपने जेई मेन्स का एग्जाम दिया फिर क्या होगा ना आपके नंबरों के हिसाब से बारह लाख बच्चे बैठे हैं तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उसकी रैंक हमने वन डाल दी जिसके उससे कम नंबर आए उसकी रैंक टू हो गई उससे कम वाले के थ्री उससे कम वाले की फोर इस तरह से लेके बारह लाख बच्चों तक की रैंक निकलती है बारह लाख ,00 बच्चों की रैंक निकलती है ऐसे रैंक लिस्ट बनती है तो ऊपर के जितने भी दो से ढाई लाख बच्चे होंगे ऊपर के जो दो से ढाई लाख बच्चे होंगे उनको क्वालिफाई कर दिया जाता है एडवांस का एग्जाम देने के लिए समझ में आ रही है बात बात कोई बड़ी बात नहीं अब ये जो दो से लाख बच्चे हैं ये जई एडवांस का एग्जाम देंगे जब जेई एडवांस का एग्जाम देंगे तब उनमें से सोलह हजार तिरपन सीट है आई, आई में उनके लिए सिलेक्शन होता है ये मैंने अपने आप नहीं बनाई है ये आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगी आपके सीट्स इन आई मैंने इस तरह से देखा है सोलह हजार तिरपन है जो कि uh, इस समय पर करंटली आई में सीट है ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं कोई भी ऐसे कैटेगरी नहीं लगा रहा हूं तो बारह लाख ,00 बच्चे थे उनमें से ऊपर के जो ढाई uh, लाख बच्चे हैं उनको जेई एडवांस के लिए बोल दिया तो ये जो ढाई लाख बच्चे अब इनकी वापस से रैंक बनेगी भाई एक रैंक बनी दूसरी रैंक बनी तीसरी रैंक बनी चौथी बनी इस तरह से लेके ढाई लाख भी रैंक बन गई अब इनमें से जो ऊपर के सोलह बच्चे हैं उनका किसमें एडमिशन हो जाता है आईआईटी में एडमिशन हो जाता है यहां तक क्लियर है भैया एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है एनआईटी में मेंस के स्कोर के स्कोर थ्रू होता है है आपकी एनआईटीज हो हो गई ट्रिपल हो गई ट्रिपल आईटीज ना इन सब में और कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये सारी जो होती है इनमें जई मेन्स के स्कोर के थ्रू होता है अब अगर आपने ध्यान से सुनते रहना ना बारह लाख बच्चे यहां पे बैठे बारह लाख में से ढाई लाख बच्चे जो ऊपर के थे वो सिलेक्ट हुए जय एडवांस का एग्जाम देने के लिए जे एडवांस का एग्जाम सिर्फ देने के लिए सिलेक्ट हुए हैं अब वो जे एडवांस का एग्जाम देंगे जो कि आपका मे वगैरह में होता है छह घंटे का एग्जाम होता है उनमें से सोलह हजार बच्चे होंगे जिनकी रैंक निकलेगी उन रैंक के हिसाब से उनको आई में एडमिशन मिल जाएगा फिर भैया एन में कब एडमिशन मिलता है मान लो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हुए जो सिलेक्ट नहीं हो पाए ठीक है जिनको सोलह बच्चे उनके आई में सिलेक्शन मिल गया फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए तो भैया क्या उनको वापस से जेई मेन देना होगा ऐसा नहीं है उनकी जेई मेन्स का जो स्कोर है वो उस साल के लिए मान्य रहेगा तो ऊपर के जो अराउंड पचास हजार साठ हजार तक रैंक होती है ना पचास से साठ हजार तक जो रैंक होती है उनमें आईआईटी में, में एडमिशन मिल जाता है उन बच्चों को एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है उन बच्चों को आईआईटी में तो यहां मिल गया जो ऊपर के पचास साठ हजार बच्चे होते हैं जिनकी रैंक होती है उनको एनआईटी ट्रिपल आई टी गवर्नमेंट फंडेड डी टी ओ एन एस आई टी आपने सामने सुनाओगे इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है

जब आप जेई मेन्स का एग्जाम दोगे तो मैंने क्या बोला जेई मेन से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल जाते हैं आपको एनआईटीज मिल सकती हैं आपको ट्रिपल आई मिल सकती हैं ट्रिपल आई भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनआईटी क्या होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो एनआईटी मिल गई ट्रिपल आई मिल गई कुछ होते हैं आपने नाम सुने होंगे डी है ना आपने नाम सुना होगा एन ये काफी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं आपके इंजीनियरिंग के लिए जो दिल्ली में बेस्ड है और कुछ हैं आपके और बहुत तगड़े-तगड़े कॉलेजेस अलग अलग स्टेट्स में तो आपको जेई मेन्स के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है मैंने कब बोला कब एडमिशन मिलता है जब आप पचास हजार से ऊपर रैंक लेके आओगे पचास हजार से नीचे मतलब मैं बोलूंगा मतलब एक से लेके अगर आप पचास हजार तक रैंक लेके आ रहे हो तो आपको इनमें एडमिशन मिल जाता है कई भाई कुछ कोटा वगैरह होते हैं आपके एससी कोटा हो गया एस कोटा हो गया ओबीसी कोटा हो गया कुछ होते हैं जो स्टेट कोटा लग जाते हैं अलग अलग एन में कि भाई अगर आप जलंधर से हो तो आपको एन आई में स्टेट कोटा मिल जाएगा तो आपको रैंक शायद थोड़ी कम ज्यादा रैंक में भी आपको वो कॉलेज मिल जाए वो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि भाई एक जनरल बच्चा है वो अगर एक से पचास हज़ार तक रैंक लेके आ जाएगा तो उसको इसमें एडमिशन मिल सकता है हमने कुछ चीज़ें सुनी है भैया कि पैकेज लगते हैं कौन से पैकेज लगते हैं भैया हमने सुना है डेढ़ करोड़ का पैकेज लगा कहीं पे कहीं पे हमने पे कहीं सुना है एक करोड़ looks... का पैकेज लगा कहीं हमने सुना है साठ लाख का पैकेज लगा कहीं हमने सुना है चालीस लाख का पैकेज लगा क्या भैया अगर मैं पचास हजार तक लाइंग लेके आऊंगा इसमें चला जाऊंगा तो इसमें पैकेज लग जाएंगे ये जो हमने न्यूज सुनी है ना ये सारी न्यूज होती है टेक ब्रांच की टेक ब्रांच क्या होता है भैया अभी बताता हूँ अभी जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो आप एन आई ट्रिपल आई टीज आई में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हो तो आप जनरल उसमें घुसने की तैयारी कर रहे हो ठीक है अब मान लो आपकी एक से पचास हजार के बीच में रैंक आई ठीक है ये बड़ी घट भी सकती है मैं जनरल आपको बता रहा हूं तो भैया मेरे को एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आई में एडमिशन मिल जाएगा पर उसमें भी कहां पर एडमिशन मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है जाओगे और कहीं पर भी पढ़ना शुरू कर दोगे ये सारे जो कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें अलग अलग ब्रांचेज होती है ठीक है मैं डरा नहीं रहा हूं मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूं मेरी जान ध्यान से सुनते रहना ब्रांचेस क्या क्या होती हैं भाई हमने सुना है भैया एक सीएसई ब्रांच होती है एक आईटी ब्रांच होती है ठीक है सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आई टी मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों सेम ही मानी जाती है मेरी आई टी ब्रांच है। एक भैया हमने ब्रांच सुनी है एक होती है मैकेनिकल ब्रांच मैकेनिकल हमने सुनी है ठीक है जो रोबोट वगैरह होते हैं कार्यवाड़ी होती है ये हमने सुनी है हमने भैया सिविल ब्रांच सुनी है सिविल कौन सी होती है भाई जो आपके जो पुल वगैरह बनते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं भैया हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच देखी है है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आप गए भैया हमने बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच देखी है भैया हमने ऐसे अलग अलग ब्रांचेस सुनी है जो आपने ये डेढ़ डेढ़ करोड़ के पैकेजेस देखे ना ये मेनली जनरली जनरली बोल रहा हूं मैं ये जनरली टॉप के ब्रांचेस में होती है जो कि सी को माना जाता है तो भैया अगर मैं एक से पचास हजार तक रैंक लेके आ जाऊंगा अगर मैं एक से पचास हजार तक रैंक लेके आ जाऊंगा तो मेरे को इसमें नहीं मिलेगी नहीं अब आपने एक से पचास हजार तक रैंक लिया है पर अगर जो शुरू के जो टॉप दस से बारह हजार बच्चे हैं ना उनको एनआईटी ट्रिपल आई टी डी एनएसआईटी में ये वाली ब्रांच मिल जाती है ठीक है तो आपको जो टारगेट करना है ना आपको पचास हजार रैंक टारगेट करना है अगर आप मेंस के जाना चाहते हो, तो आपको शुरू की दस हजार रैंक टारगेट करनी है अगर आप जाते हो कि भाई मैं सी एस आई टी ब्रांच में जाऊं भैया क्या और ब्रांच बेकार होती है बिल्कुल बेकार नहीं होती ये सारी ब्रांचेस वाले भी इसके लिए पढ़ सकते हैं जाके ये सारी ब्रांचेस वाले भी इसकी प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं कोई गलत नहीं है बस मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि ये जो न्यूज़ उठती है ना कि भाई डेढ़ करोड़ एक करोड़ पचास लाख का जो पैकेज है वो सारा मेनली लगता है टेक ब्रांचेस में मैकेल में बहुत अच्छे लगते हैं सिविल में भी बहुत अच्छे लगते हैं मैं आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस दे रहा हूँ मेरी बात समझ में आई सेम जो केस होता है वही होता है आई के अंदर कि भाई आई में भैया आपने बोला कि एक से लेके अगर हम जब हमने भाई ढाई लाख मान लो मैं भैया उन बच्चों में हूँ जो जो ढाई लाख बच्चे जेई मेन्स में क्वालिफाई हो गए ठीक है वो बच्चे क्वालिफाई हुए अब मैंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया एडवांस का एग्जाम देके आपने बोला है कि एक से अगर सोलह हजार तिरपन तक आपकी रैंक आ गई तो आपको आई टी में एडमिशन मिल जाएगा बट भैया वहां पे भी ब्रांचेस होती होंगी मैं बिल्कुल होती है आई में भी सी होता है आई में भी मैकेनिकल होती है आई में भी सिविल होती है आई में भी इलेक्ट्रिकल होती है तो इस तरह से आई में भी ब्रांचेज होती है तो अगर आप शुरू की टॉप रैंक्स में आओगे हजार पंद्रह सौ रैंक में तो आपको आपकी आई में ऊपर की जो ब्रांच है सी ब्रांच जो है वो मिल जाएगी फिर उसके बाद जैसे जैसे रैंक आपकी नीचे जाती रहेगी उस तरह से आपको दूसरी दूसरी, दूसरी ब्रांचेस में एडमिशन मिलता रहेगा अब एडमिशन का क्या प्रोसेस है वो आप अभी एडवांस दे दो जेई मेंस दे दो तब तो पता चल जाएगा कौन सी बड़ी बात नहीं है ये मैंने आपको जनरल अवेयरनेस दे दी है जिन बच्चों की मेन्स में अच्छी रैंक आई है तो उन्हें बोला कि दस बारह लाख बच्चे होते हैं जो जेई मेन्स का एग्जाम देते हैं वो बढ़ते भी रहते हैं घटते भी रहते हैं हर साल अब उनमें से दो लाख बच्चे सिलेक्ट हुए एक तरह से एडवांस के लिए या फिर क्वालिफाई हुए एडवांस के लिए तो उनकी रैंक लिस्ट बन गई अब उनमें सबको तो एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगी या सबको तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे तो उनके लिए जो बच्चे बच गए उन दस लाख में से मान ली शुरू के एक लाख बच्चों को कॉलेज मिल गया उनमें से तो तेरह हजार बच्चों को आई मिल गई जो बच गए आठ दस लाख बच्चे इनके पास क्या कोई और चॉइस है एग्जाम की कि कोई और प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम हो गया या कुछ हाँ मतलब प्राइवेट कॉलेजेस तो है ही वो तो तुम्हारे जेई के रिजल्ट से भी तुम एडमिशन दे, दे देंगे या हुँ. फिर जैसे कुछ कॉलेजेस की खुद की एग्जाम्स होती है भाई जैसे हुँ. एक वीआईटी होती है तो वीआईटी के अलग से एग्जाम होते हैं बिट सेट होती है बिट्स होता है तो उसके अलग से एग्जाम होते हैं बिट सेट वो दे सकता है या फिर हर स्टेट की भी एक ऐसे कॉमन इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जामिनेशन होती है जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो गुडसेट गुडसेट करके एग्जाम होती है हुँ. वो देखे स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज एडमिशन हो जाता है एडमिशन लेना कोई इशू नहीं है बहुत है। तो 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 वो दस बारह हजार जो सीट्स है उसपे टारगेट करना तो अगर आपको जानना है की भैया जई के अंडर कौन कौन से कॉलेज आते हैं सिंपल आप गूगल सर्च करोगे कॉलेज जय मेन्स इस तरह से आप जाओगे आप वेबसाइट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा की अच्छा यार अलग अलग स्टेट्स के जितने भी कॉलेजेस है जो एक्सेप्ट करते हैं जई मेन्स के इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एक्सेप्टिंग जय मे बैंगलोर में कौन से है जो जो स्टेट के कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पता चल जाएंगे जितनी भी आपकी एन आई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो गई हैं जिससे आपको पता चल जाएगा जितनी भी ट्रिपल आई हैं वो सारी ट्रिपल आई जो हैं वो आपको जेई मेन्स के थ्रू दे देंगी कुछ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं असम यूनिवर्सिटी बी आई आपका हो गया अलग अलग इस तरह की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी आपको जेई मेन्स के हिसाब से आपको एडमिशन दे देती है अगर आपको जेई एडवांस के अंदर देखना है कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैक्सिमम तो आई ही हैं जेई एडवांस के अंदर जितनी भी आई हैं वो सारी जेई एडवांस के अंदर आती हैं कुछ हैं जैसे आई बेंगलोर हो गया आपका आई हो गया ये सारी भी जेई एडवांस का स्कोर लेती है अब भैया मान लो मैंने जेई मेन्स के अलावा मेरे को कोई और एग्जाम देना है तो कोई और एग्जाम भी होते हैं मान लो मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ तो आप जा सकते हो इस तरह से सर्च कर सकते हो टॉप अदर एग्जाम्स अदर देन जई टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स

और उसको अच्छे से अच्छा. so है, उसके लिए बड़ा कुछ अलग से कुछ नहीं किया तो दिसंबर में टेस्ट वगैरह दे दिए एंड मतलब जनवरी के लिए रेडी थे so जनवरी दे दिया ठीक ही ठाक गया था अच्छा ही क्या था hmm. सो so, फिर क्या वो अच्छा जाने के बाद एक मेंटल रिलैक्सेशन भी मिल जाता है की हाँ में तो हो गया मतलब अच्छे से तो एनआईटी मिल जाएगी सो so, उसके बाद मैं बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस कर पाया था और एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और अगर दूसरा केस भी हुआ होता कि मेरा अच्छा नहीं भी गया होता तो मेरे को पता चल जाती मेरी गलतियां क्या है और मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ सिग्निफिकेंट टाइम है मतलब पूरा फेब्रुआरी और मार्च मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है और जो भी तुम्हारी गलतियां होती है तो रिवो रिवाइज करना है तो hmm. sufficient time है गलतियों को सही करने के लिए और revise करने के लिए। सो आई थिंक ऐसे ही जाना चाहिए खराब जाता है, है कुछ भी होता है तो तुम्हारे hmm. पास एक और बैकअप है अप्रैल तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो सही, सही. तो और अगर कोई बच्चा ड्रॉपर में है तो उसके लिए ऐसा होता है कि जनवरी तक शायद पूरा सिलेबस कम्प्लीट ना हो

यार एक तो तुम अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर पाते हो ना तो अगर टेंथ तक तुमने खुद से ही पढ़ाई की हो तुम्हें पता है कि तुम ट्रैक पे रह पाते हो तो ऐसा तो कोचिंग की जरूरत नहीं है तुम रेगुलरली स्कूल जाए बस सिलेबस पता कर लो एडवांस का क्या है टॉपिक्स क्या क्या है तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए कोई कोचिंग का शेड्यूल की वो लोग किस हिसाब से पढ़ रहे शेड्यूल उठाओ और तुम उसके हिसाब से सेल्फ स्टडी चालू करो नहीं समझ आया तो बुक्स है वीडियो है भाई अभी तो फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है बट उसमे हाँ। उसमें तुम खुद, खुद के अचीव कर पा रहे हो या नहीं और तो नहीं हो रहे, अगर वो कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए पहले इनको एक कोचिंग ले लो चाहे तुम उसको क्लासरूम प्रोग्राम ले रहे हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है तुम घर पे बैठ के पढ़ सकते हो तो बस कोचिंग से यही फायदा है की तुम्हें एक तो एनवायरमेंट मिल जाता है सही और

जरूरी नहीं है कोचिंग लेना कोचिंग आपको सिर्फ दो चीजें प्रोवाइड करती है पहली होता है आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन वन ऑन वन गाइडेंस आपको मिलती है कि भाई भाई देखो ज्ञान तो अब यूट्यूब में ही बहुत पड़ा है आपको कोई चैप्टर समझना है तो यूट्यूब भी जाके समझ सकते हो तो आपको कोचिंग में जाके चैप्टर समझने की जरूरत है नहीं उसके लिए तो आप पैसे दे नहीं रहे हो आप पैसे दे रहे हो जिससे कि आपका वन टू वन इंटरेक्शन हो आपको कोई डाउट हो आप सामने हाथ उठा के टीचर से पूछ सको शर्माओ मत डाउट पूछने में इसी के ढाई लाख रुपए बढ़ रहे हो इसी के तीन लाख रुपए भर रहे हो जब भी ये दिमाग में आए ना कि भैया यार डर लग रहा है डाउट पूछने का शर्मा रहा हूं

मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो एक कंसिस्टेंसी के लिए भी आपको कोचिंग जो है प्रोवाइड करती है यही मेन दो चीजें हैं कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है कोई भी नाम मैं यहां पे नहीं लूंगा मैं किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं हूं किसी पे ही नहीं बिका हुआ हूं मैं ठीक है तो मेन चीजें होती हैं आपको बड़े ब्रांड के पीछे नहीं भागना है आपको भागना है टीचर के पीछे आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टीचर आपको दो साल पढ़ा रहा है उस टीचर की आपने ट्रायल क्लास ली कोई कोचिंग ऐसी है जो ट्रायल क्लासेस के लिए मना कर रही है मतलब बेकार कोचिंग है भाग वहां से आपको ट्रायल क्लासेस लेनी है आप आप उन, आप उन फ्री में नहीं दे रहे हैं। उनसे कहो दो तीन हजार रुपए ले लो यार दो तीन हजार रुपये देखिए एक दो चैप्टर पढ़वा दो मेरे को देखना है टीचर से मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही या नहीं बैठरी सारे टीचर सबके लिए अच्छे नहीं होते टीचर सारे अच्छे हैं पर जरूरी नहीं आपकी उससे ट्यूनिंग बैठ जाए तो आपको ट्रायल क्लासेस जाके लेनी है दूसरी चीज जब भी कोचिंग में एडमिशन लो कोशिश करो कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दो क्या मेरी बात समझ में आ रही है जिससे कि अगर मान लो हमारी सही ट्रैक नहीं बैठ रहा है तो हमारे पूरे पैसे नहीं गए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट के पैसे गए फिर हम बैकआउट करके चले जाएंगे ये मेन मेन चीज़ें जो आपको कोचिंग में ध्यान रखनी होगी कोचिंग कोई भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है सारी कोचिंग बेकार है ये समझ लो आपकी जिससे ट्यूनिंग बैठ गई है वो अच्छी है ठीक है जी क्या क्या चीज़ें थी जो आ, मतलब तू एलेवेंथ में फॉलो कर रहा था कि क्या कहीं और से कुछ बुक्स ले ली थी रेफरेंस बुक्स या फिर कहीं और से कोई टेस्ट सीरीज ले लिया क्या ले लिया मतलब क्या रूटीन रहता था कि भाई क्लास से आए ये चीज़ करी फिर ये चीज़ करी फिर ये चीज़ करी फिर वापस क्लास में गए ये क्या चीज़ रहती थी आ, इसमें बोलूंगा भाई मैं ना गधे जैसा मेरे को जैसा वो चलाता है ना मैं मैं वैसे चलता था मेरे को सिंपल बोला गया था कोचिंग का मटेरियल करना मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था बस उतना ही करता था अच्छा क्लास से आए जो पढ़ाया सर ने पढ़ लिया सुबह उठे उसके क्वेश्चंस कर लिए डाउट आए सर से पूछ लिया सिंपल रूटीन और कुछ नया नहीं किया मैंने कभी कभी जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल में सर ही बता देते थे कि भाई फिजिक्स में अच्छी बदमा उठा लो उसमें काफी काफी अच्छे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं अदर देन ऑल

बस ये तीन चीजें कर लेना तो आपकी ग्यारहवीं बहुत अच्छी चली जाएगी आप पूरी क्लास के पिचानवे परसेंट जनता से आगे होंगे क्योंकि पिचानवे परसेंट जनता ये भी नहीं करती है, और सौ चीजों में भागती है पहली चीज होती है नोट्स आपको रेगुलर नोट्स बनाने आपके टीचर जब भी आपको पढ़ा रहे हैं आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं ठीक है कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं उन नोट्स को रेगुलरली रिवाइज मारना है घर पर आते ही वो मैंने तरीका बता रखा है आपने बहुत बार सुना होगा पहली प्रायोरिटी होगी आपकी नोट्स तो पहले आपने आते ही नोट्स रिवाइज करें दूसरी प्रायोरिटी होती है आपको जो भी कोचिंग के मॉड्यूल का आपको होमवर्क मिला हुआ है वो होमवर्क आपने कंप्लीट करा ये हो गया तीसरी प्रायोरिटी हो गई आपकी कि आप रेगुलरली डीपीपी सॉल्व कर रहे हो रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो इन तीन से अलावा कुछ भी नहीं करना कुछ भी बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं जितने टॉपर्स हैं सबको ऑब्जर्व कराए मैंने आप किसी कोचिंग में जा रहे हो बस ये तीन चीजें कर लो पहला आपने रेगुलरली नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लिया जो भी होमवर्क मिला उसको रेगुलरली कंप्लीट कर लिया और सिंपल अपनी डीपीपी कर ली इसके अलावा कुछ नहीं करना अगर मेरा गोल है जे एडवांस क्रैक करना आई आई निकालना तो दिन में कितने घंटे पढ़ना होगा भाई, भाई बड़े रहते हैं मेरे कमेंट में क्वेश्चन बड़े रहते हैं यार ये भी एक रिलेटिव क्वेश्चन है भाई तुम बहुत स्मार्ट हो तो तुम वही चीज दो घंटे में पढ़ लोगे कोई थोड़ा एवरेज बच्चा है, तो उसको पांच घंटे लग जाएंगे जिसका ध्यान इधर उधर पटकता है तो मैं तो ये बोलूंगा कि

मैं कहता हूं हमेशा आपको डिपेंड ये नहीं करता है आप कितने घंटे पढ़ रहे हो डिपेंड इस पे करता है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हो क्या आप उसमें पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो क्या पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो ये तो नहीं है कि भाई हमने सामने मूवी चला रखी है और हम बैठ के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं हमने सामने वेब सीरीज बना रखी है हम बैठ कर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे यार जो मात्र दो घंटे पढ़ते हैं रात को और वो उन बच्चों से आगे होते हैं जो दिन के छह से सात सात घंटे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो दिन से दिन के छह से सात सात घंटे नाम के लिए पढ़ रहे होते हैं प्रोडक्टिव नहीं रहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बंद कर लेते हैं कमरा मात्र दो घंटे पढ़ेंगे और उस दो घंटे में ना ऐसे जला के भाग जाएंगे पूरे सिलेबस को जो भी होमवर्क मिला है तो इसलिए ये चीज पे मत डिपेंड रखो कि यार कितने घंटे पढ़ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने घंटे सोना है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फर्क इससे पड़ रहा है कि आज का जो मेरा टास्क है ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई है ये तीन चीजें मेरी आज की कंप्लीट हो गई चाहे दो घंटे में हो चाहे छः घंटे में हो चाहे आठ घंटे में हो चाहे दस घंटे में हो चाहे इसके लिए मेरे को नींद कुर्बान करनी पड़े बस ये तीन चीज़ें करूंगा उतने घंटे पढ़ना है आपको ये है सिंपल आंसर अब यार जब हम इलेवंथ में आए थे ना तो आ, हमारे भी बहुत सारी डिस्ट्रेक्शन होती थी मोबाइल फ़ोन हो गया मूवीज हो गई गेम्स हो गए है ना रात सिमरन वाले कॉन्सेप्ट हो गए तो इन डिस्ट्रेक्शन से कैसे मतलब तूने कैसे डील करा कि हम इस चीज़ से दूर रहें और अपने टारगेट पर फोकस कर पाए जैसे तूने बोला कि हम गए तो थे स्मार्टफोन लेके मैं भी स्मार्टफोन लेके आया था स्टार्टिंग में फिर मतलब देखा वहाँ जरूरत थी नहीं उसके बाद टीचर्स वगैरह भी वही बोलते थे कि जरूरत नहीं है की फोन यूज करो सुनो घर पे बात करो और तो कुछ करना है नही वो वापिस भिजवा दिया था एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये लगता है ना कि तुम्हारा सर्कल कैसा है मतलब तुम्हारे दोस्त वगैरह कैसे तो अगर तुम्हारा मतलब वही ना एक सड़ा हुआ पूरी खराब कर हाँ। यार एक भी ऐसा बंदा मिल गया ना जो ज्यादा तो में आ गए तो धीरे धीरे तुम भी खराब हो जाओगे तो एक तो है सेल्फ कंट्रोल तुम्हें तो खुद पे कितना कंट्रोल है वो चीज रख लो और तुम्हारे पीयर ग्रुप सही से बनो की जो पढ़ने वाले है भले ही भाई उसको कम आता है ठीक है वो कम अच्छे से कर पाता है बट वो एटलीस्ट पढ़ने वाला बंदा होगा ना तुम एटली हो तुम अपना काम सही जगह करते रहोगे बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ने आपको दिया है डिपेंड ये करता है कि आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं अगर आपके आसपास वाले लोग ऐसे हैं जो इस समय रिलेशनशिप में आ, आसपास वाले लोग हैं जो आपके गेम खेलते हैं आसपास वाले लोग हैं आपके जो रेगुलरली मूवी देखते हैं ना चाहते हुए भी आपका मन करेगा उन सारी चीजों में घुसने का अगर आपके दोस्त वैसे हैं तो बिल्कुल फैक्ट है अगर आपके आसपास वाले दोस्त ऐसे होंगे जो शायद पढ़ाई में अच्छे ना हो पर वो रगड़ रहे हैं ना तो आपका भी मन करेगा कि यार उसको देखिए कि यार मैं रगड़ू मैं हॉस्टल में था ना भाई हमारे फ्लोर पे ऐसे ऐसे बच्चे थे जो पागलों की तरह पढ़ते थे तो अगर मेरा मन करता था ना कि यार चलो जाके मूवी देख लेता हूँ चलो जाके किसी रूम पे जाके बतिया लेता हूँ और मैं उनके रूम के सामने से निकलता था जो पढ़ रहे हैं तो मेरे को देख के डर लगता था कि भाई ये पढ़ रहा है यार चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ ये होता है अपने आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना यार वो इस तरह के बना लो जो आपको सपोर्ट करे ट्वेल्थ में अपने बोर्ड में हमें पचहत्तर लाने होते हैं अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके बोर्ड की तैयारी कैसे करें साथ साथ में

बहुत रोना होता है सही में मतलब मैं खुद बहुत बहुत चीजों में अकेले बैठ के रोया हूं तो इसलिए ना सिर्फ दो लोग आपके काम आएंगे आपके मम्मी और आपके पापा यह बात ना कोटा में जाकर रियलाइज हुई थी हमें कि भाई एक बार जाके पूछो तो जैसे अभी बोला दिल ने एक बार पूछो तो उन्हें सब पता है उनके पास उनको शायद गूगल ना पता हो उनको यूट्यूब ना पता हो उनको व्हाट्सअप नहीं पता हो उनको ट्विटर ना पता हो उनको चैट जीपी ना पता हो पर उनको एक चीज पता है जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस वो आपके शायद जय में हेल्प नहीं कर पाएंगे पर वो आपको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दे पाएंगे जब भी हमारे टेस्ट में कम नंबर आते थे ना हम सीधा या फिर जब भी कोई ऐसा मूड ऑफ होता था सीधा मैं मम्मी को फ़ोन लगाता था एक डेढ़ घंटे बात करता था वो कहते थे कौन सी बड़ी बात हो गई यार इतने बड़े दुनिया में तेरी इतनी सी प्रॉब्लम कौन सी इतनी बड़ी बात होगी क्या टेंशन ले रहा है आगे और मेहनत कर अच्छा होगा इतना ही कोई बोल दे बस बहुत होता है तो इसलिए इन अपने पेरेंट्स हैं ना ये दो साल जितना हो सके साथ में रहना है जितना हो सके उनसे हर चीज़ शेयर करनी है वो आपको हर चीज में अच्छी गाइडेंस देंगे बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे यही मेन चीज है अगर आप लो फेज लो फेज में हो इस समय तो तो ये था आपका पूरा इंजीनियरिंग का सार जो आपको इस समय पता होना चाहिए आई होप हम दोनों ने मिलकर आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझा दी होगी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट आपको किस चीज के लिए वीडियो चाहिए और जो स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं मेरे को एक बार बताओ आपको भाई ये, -ये करियर ऑप्शंस पे वीडियो चाहिए हम वो ला देंगे तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोड़ना है कहर मचा देना है आग लगा देनी है मिलते हैं अगली वीडियो में बाय जाओ पढ़ लो पढ़ लो बाय 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 जल्दी पढ़ लो जल्दी 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 बाय बाय बाय